हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मैंने पांच वीडियो पहले डाल चुका है, पांचों वीडियो को आप देख लीजिएगा। पांच या चार वीडियो है टोटल, आप पांच या चार वीडियो है टोटल आप देख लीजिएगा। उसके बाद पांचवें वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो पांच ऐसा प्लगइन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सा प्लगइन है सर जो वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा, ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए महत्वपूर्ण है, हम बता भी देंगे और इंस्टॉल करके दिखा भी देंगे। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं डिजिटल रोशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। देखिए दोस्तों, अब आ गए कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि सबसे पहले एक प्लगइन है जिसका नाम है आपका योस्ट प्लगइन, जो कि आपको एसईओ करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आपको योस्ट प्लगइन तो आपको एकदम पक्का है कि इंस्टॉल करना ही होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि योस्ट एक प्लगइन होता है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिएगा YOST योस्ट और योस्ट को इंस्टॉल कर लीजिए पहले। दूसरा प्लगइन है दोस्तों जिसका नाम है आपका साइट किट बाय गूगल, साइट किट बाय गूगल, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्तों। तीसरा नाम है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट ये भी आपको इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। तीन प्लगइन आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, उसके बाद एलिमेंटो एलिमेंट, है ना, एलिमेंटो एलिमेंट, ये आपको चार प्लगइन इंस्टॉल करना है। और पांचवा जो है कि आपको हम आगे बताएंगे, पहले इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेते हैं। अब आपको जाना है यहां से एक्टिव में और सभी प्लगइन को एक्टिवेट कर देना, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्टिवेट करने के बाद आपको सबसे पहले आपको योस्ट को आपको सेटिंग करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम योस्ट को कैसे सेटिंग करना है वो पहले बताने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है योस्ट के सेटिंग पैनल में। योस्ट का क्या काम है ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, कंप्लीट ट्यूटोरियल लाने वाले हैं योस्ट का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक काम करते हैं, अगले वीडियो में योस्ट के बारे में पूरा हम बता देंगे। एक प्लगइन और है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भी हम बता देते हैं कि कौन सा प्लगइन है, व्हाट्सएप क्लिक टू चैट ऐप। ये इससे क्या होता है कि आपका कस्टमर, अगर आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपके कनेक्ट कस्टमर जो है आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है व्हाट्सएप प्लगइन से, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बताएंगे यूज्ड का कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो कहीं भी मिस मत करिएगा, मिस करिएगा तो आप पछताइएगा, मेरा कुछ नहीं जाता, जो होगा आपका होता।